कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक वुमेन कॉलेज है। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज और कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हुए हैं। फॉरेन लैंग्वेज और ट्रेवल एंड टूरिज़्म कोर्सेज के जो एडमिशन हैं वो इस कॉलेज ने शुरू किए हैं। ये जो कॉलेज है दोस्तों, ये ईस्ट पटेल नगर में लोकेटेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट डेट्स की, 10 सितंबर तक इसके जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह से है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो ₹50 लगेगी और एलिजिबिलिटी 10+2 है। 10+2 अगर आप पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ईच कोर्स इज़ ओपन टू ऑल बट प्रेफरेंस शॉल बी गिवन टू कालिंदी कॉलेज स्टूडेंट। मेल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। हाँ जी, देखो मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कालिंदी कॉलेज वुमेन कॉलेज है लेकिन मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस कालिंदी कॉलेज के स्टूडेंट को दिया जाएगा, लेकिन ये कोर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। आउटसाइड स्टूडेंट शॉल बी गिवन आइडेंटिटी कार्ड बाय कॉलेज ऑन अ पेमेंट ऑफ ₹100। एडमिशन के बाद का सारा प्रोसीजर होता है कि एडमिशन हो जाता है तो आईडी कार्ड आप कॉलेज का इशू करवा सकते हो ₹100 की पेमेंट करके। क्लासेस जो होती हैं मंडे टू सैटरडे होती हैं आफ्टरनून में, ठीक है, एज़ पर फाइनलाइज शेड्यूल के अकॉर्डिंग। फीस विल ओनली बी रिफंडेड इन केस कोर्स इज़ नॉट इनिशिएटेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीज़न, यानी कि एडमिशन उतने नंबर ऑफ बच्चों ने नहीं लिया और आपने ले लिया तो वो कोर्स फीस रिफंड हो जाती है। उसके अलावा कोई दूसरा रीज़न हो तो कोर्स फीस रिफंड नहीं होगी। गाइडलाइंस लिखी गई हैं एडमिशन की। ईच कैंडिडेट शुड फिल द एडमिशन फॉर्म वंस, मल्टीपल फॉर्म मे लीड टू रिजेक्शन, यानी कि कोर्स के लिए अप्लाई करना तो एक ही फॉर्म भरोगे आप। प्लीज़ इंश्योर दैट कि सारी डिटेल आपने सही से भरी हो और सब कुछ आपने सही से सबमिट करा हो, इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। और आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी डिटेल्स आप लोग भरोगे। फिलिंग ऑफ फॉर्म विल प्रोविजनली एडमिट द कैंडिडेट टू द कोर्स, हाउएवर इफ़ द फॉर्म इज रिजेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन एडमिशन विल बी कैंसिल। इन केस ऑफ रिजेक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्स फीस विल बी रिफंड टू द कैंडिडेट। रिजेक्शन होता है तो कोर्स फीस रिफंड कर दी जाएगी। कोर्स फीस देख लीजिए, कोर्सेज हैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज में सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, ₹8,000 कोर्स की फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फीस ₹50 है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम है ट्रेवल एंड टूरिज़्म में, अगेन फीस इसकी सेम है। पेमेंट कैन बी डन थ्रू एनईएफटी के थ्रू पेमेंट आपको करनी है। बैंक डिटेल आईएफएससी कोड वगैरह आपके सामने है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है भाई, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन एडमिशन लिंक, फ्रेंच के लिए अलग लिंक है, ट्रेवल एंड टूरिज़्म के लिए अलग लिंक है। अभी लिंक पर हम आते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, ईमेल आईडी और हेल्प डेस्क नंबर, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ फर्दर क्वारीज है तो। यहाँ पे फिर लैंग्वेज के अंदर करियर स्कोप क्या क्या है ट्रेवल एंड टूरिज़्म के अंदर, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपको जैसे कि अप्लाई करना है, ये फॉर्म का लिंक है, इस पर हम चलते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के फॉर्म का लिंक है, ये गूगल फॉर्म बेसिकली आपके सामने ही ओपन होगा। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स आप लोगों को दे दिया जाए। यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी, आपका नाम पूछ रहा है, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, कैटेगरी, एड्रेस विद पिन कोड, गार्डियंस नेम आप दे सकते हो, गार्डियंस के साथ रिलेशन क्या है, यानी कि फादर का देना है, मदर का है, ब्रदर का दे सकते हो। एग्जामिनेशन डिटेल्स क्लास 12th की यहाँ पर आपको देनी है। एग्ज़ाम पास, एग्ज़ाम नेम देना है, यानी कि ये इंटरमीडिएट वगैरह क्लास 12 जो भी है, किस ईयर में पास आउट किया, किस बोर्ड से किया, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज आपकी कितनी है, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर कुछ है, अगर क्लास 12th ही है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की डिटेल आप दे सकते हो। बताओ यहाँ पर DU के अंदर पढ़ रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हो। अगर DU में इनरोल हो तो उसका कॉलेज का नाम, ईयर ऑफ एडमिशन और पासिंग, वो सब चीज़ें दे सकते हो। फीस पेमेंट डिटेल, अकाउंट पेई नेम, जो अकाउंट पेई नेम है वो करना है आपको, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, अमाउंट पेड, पेमेंट रेफरेंस, पेमेंट डेट और अपलोड सेक्शन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ और पेमेंट प्रूफ, इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है और आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। और सेम फॉर्म आपका ट्रेवल एंड टूरिज़्म वाले कोर्स का भी है, आप उसी तरीके से, सेम प्रोसीजर है, सेम डॉक्यूमेंटेशन है, उसी तरीके से आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट रहेगा कि सर, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसमें फ़ीस पेमेंट का रिसिप्ट भी लगाना है, पेई नेम वगैरह जो यहाँ पे लिखा गया है उसकी डिटेल भी देनी है, तो क्या ये पूरा रजिस्ट्रेशन फ़ीस की एक साथ देनी है, एडमिशन एक साथ होगा, या सिर्फ पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है?
इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन इस नोटिस के अंदर भी नहीं दिया गया है, तो बेहतर होगा बहुत सोच समझ के इस फॉर्म को भरिए। फ़ीस पेमेंट करने से पहले रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरनी है, उसके बाद मेरिट बनेगी उसके हिसाब से एडमिशन होंगे, या फिर डायरेक्ट आपको एडमिशन फ़ीस भरनी है उसके हिसाब से एडमिशन होंगे। यहाँ पर एडमिशन हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, इस पर एक बार आप ईमेल कर दीजिएगा, उसके बाद ही जो फॉर्म है वो अप्लाई कीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो लिंक्स वगैरह हैं नोटिस वगैरह के और फॉर्म के वो मिल जाएंगे। थैंक यू।